अभी तक के निर्माण कार्य में क्या हुआ है और कितनी राशि खर्च की गई? राशि का सर सचिव सरपंच और दो चार नेता लोग हैं उनके द्वारा बन रहा ये बिल्डिंग, हमको कुछ उसका अनुभव नहीं है। बता देने तीन महीने से हमारी मीटिंग ने बैठा ली, अभी 5-6 दिन पहले मीटिंग बैठा ली और आज मीटिंग का रखा है, तो हम अभी तक पहुँचने पंचायत में। आप हमें ये बताएं कि ये जो निर्माण कार्य जो चल रहा है ना, हाँ जी, इसमें लोहा कौन से नंबर का चल रहा है? लोहा 10 का, 12 का और 16 का जहाँ चलना था वह 16 का भी लोहा नहीं चला। ठेकेदार द्वारा कोटेशन में क्या लिखाया गया था? वो लिखाया वाला कि नहीं, सचिव सरपंच बोलता कि 80 रुपये स्क्वायर फीट से प्लास्टर, ये बिल्डिंग गड्ढे खुदाई भर्ती और प्लास्टर फोल्डिंग का ठेकेदार के द्वारा 80 रुपये स्क्वायर फीट यानी तराई 80 रुपये। आप देख लो सर, तराई हो रही है इसकी। जो आप 80 रुपये की जो बात कर रहे हैं, 80 रुपये में आप पूरे साक्षित्व में बताओ कि इसमें कौन सा कार्य किया जाना है? सर इसका कार्य कि नहीं वो है कि गड्ढे खुदाई भर्ती और प्लास्टर और फोल्डिंग है, तराई समय पे तराई बना, कम से कम 4 बार इस समय के हिसाब से 4 बार तराई बना। अभी वर्तमान में निर्माण कार्य में जो मटेरियल की व्यवस्था है वो कैसी है? मटेरियल की व्यवस्था सर, मटेरियल तो एक तो लोहे में कमी है, बिल्कुल, और तराई में कमी है। मटेरियल सीमेंट कितना डाला क्या डाला वो भी हमको नहीं मालूम सर, हमको पूछते ने 3 महीने से मीटिंग नहीं रखी, 4 दिन पहले मीटिंग रखी थी और आज मीटिंग है सर। अभी तक के कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर निरीक्षण करने आया है? जनप्रतिनिधि हम कुछ बोलने जाते हमको गाली देते सर। कौन बोलते हैं? वो 2-3 नेता है। नाम बताओ। नाम बता सकते हो आप? रमेश है, सुनील है और ये सहायक भी है, सहायक सचिव सचिव भी है, सरपंच तो कुछ नहीं बोलता। संदीप सहायक सचिव का पूरा नाम बताओ। सहायक सचिव का नाम है सर बुधराव गीत, उनके पापा का नाम है गोविंदराव जी गीत। जनप्रतिनिधि उच्च नंबर यानी कि उच्च श्रेणी वाले कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए? यहाँ पे नेता लोग आते, अच्छे अच्छे पटेल भी आते हैं सर। आप क्या किसी जनप्रतिनिधि का नाम बताना चाहोगे? सुखदेव पटेल हमारे गांव का पटेल है और अच्छा खासा उनको मानते भी है, हम भी उनके इज्जत करते। उनके द्वारा इस घटिया निर्माण कार्य में क्या एक्शन लिया गया? सर वो उनको मालूम होगा सर, हमको नहीं मालूम, उनको मालूम होगा सर, हमको नहीं मालूम।